कश्मीर से बोल रहा हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पे कश्मीर में सिर्फ 1% क्राइम है, यहाँ के लोग बहुत डिसेंट है, सिर्फ 1% क्राइम है कश्मीर में। यूपी और बिहार में बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम है, वहाँ पर बहुत क्राइम है, बिहार के स्टेट्स में बहुत ज़्यादा क्राइम है। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन देंगे कि पुलिस डिसेंट यूनिफॉर्म पहने और येलो कलर व्हीकल्स यहाँ पे आए, यहाँ के लड़के बाकी चीज़ करके पथराव करते हैं, पथराव से ऐसे माहौल बनता है, लेकिन पथराव क्यों करते हैं? अगर हम एक दूसरे के ऊपर सर पर पत्थर मारें तो एक दूसरे को मार देंगे, कोई भी किसी को भी मार देगा। लेकिन आर्मी यूनिट्स ऑफ क्राइम है, पुलिस यूनिट्स ऑफ क्राइम है, वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन देखते हैं। वो इसलिए मारते हैं कि अगर कोई भी किसी को मार देगा, कोई भी किसी की वजह से इंसान मर सकता है। लेकिन आर्मी नहीं मारती है, वो क्रिमिनल क्राइम देखती है। यहाँ पे मीडिया में आया था, पहले यह आया था कि यहाँ के लोग स्टेट ऑफ क्राइम देखते हैं। यहाँ पे स्टेट ऑफ वॉर है, कश्मीर में स्टेट ऑफ वॉर है। ये कोई वॉर नहीं है कश्मीर में, लोगों को आपस में कोई वॉर नहीं है कश्मीर में, लोगों को आपस में कोई वॉर नहीं है। यहाँ के लोग देखते हैं कि हम फाइनेंशियली ऊपर कैसे चढ़ें। कि बाकी बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आई सी आई सी बैंक, ये HDFC नहीं, आई एम सॉरी, कि SBI बैंक, JK बैंक, ये देखता है कि हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन्स कैसे बढ़े, कि हम 0% अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्रिएट करें और 0% यहाँ पे 100% इंडस्ट्रीज कश्मीर में लाए। हैप्पी रमदान, इंडिया फाइट्स बैक, थैंक यू वेरी मच।